पिता का नाम है अशोक ठाकुर और लड़का का पिता का मनोज ठाकुर जी, जो कि रोहतास जिला के रहने वाले हैं। लड़का मिलने आया था, लड़के का नाम क्या है? नीतीश कुमार नाम है उनका। नीतीश कुमार ठाकुर जी। कौन से गांव के रहने वाला है? घुसियां गांव के रहने वाला है, विक्रमगंज घुसियां, रोहतास जिला में पड़ता है। प्रेमिका के घरे इलू इलू करत पकड़ल गईले प्रेमी, गांव के लोग पकड़ के पहले कोर्ट मारे, एकरा बाद मंदिर में करावल बियाह। 6 महीना से चलत रहे प्रेम प्रसंग, मुखिया प्रतिनिधि के पहल पे दोनों के परिजन भइले राजी। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, समधि मिलान से लेके मुखिया जी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। खबर बक्सर से बा रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी, लुका लुका के मजा करे में बड़ा मजा आवत हो ये लोग। 6 महीना से भोजपुरिया काटी काटी के प्रेम के पहाड़ा ही प्रेमी पढ़त रहो, लेकिन एक दिन धरा गईले आ एकरा बाद प्रेम के पांजा में बंधा गई। बक्सर जिला के कैथहर कला पंचायत में रोहतास जिला के एगो प्रेमी के प्रेमिका के घरे इलू इलू करत पकड़ लिहल गई। कुछ लोग के द्वारा मारे पीटे के बात कइल गई, लेकिन मुखिया के पहल को दोनों जाना के ग्रामीण के दुर्व्यवहार से बचा लिहल गई। मौका पे पहुंचल मुखिया प्रतिनिधि, जब दोनों जाना से पूछताछ कैलन तब पता चलल कि दोनों जाना 6 महीना से प्यार करता लो। दोनों जाना के बाबू माई से संपर्क कइल गई, एकरा बाद पहले कोर्ट मैरिज खातिर प्रक्रिया पूरा कइल गई, फिर रमरेखा घाट के नजदीक हनुमान मंदिर के सामने दोनों जाना के ब्याह करा दी गई। जानकारी के अनुसार घटना मंगल के रात के बतावल जा रहल बा। रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के निवासी युवक, राजपुर प्रखंड के कैथहर कला पंचायत के करैठा गांव में ग्रामीण के द्वारा पकड़ लिहल गई। बीतल रात उ अपन प्रेमिका से मिले पहुँचल रहन, लोग पकड़लन तो ई बतैलन कि दोनों जाना एक दूसरा से प्रेम करेला। लोग लड़की भी जब हामी भर ली तो गांव के लोग यह बात के सूचना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह के दे लें। वो तुरंत ही मौका पे पहुँचले, पूरा घटनाक्रम के जानकारी भई तो लड़का के परिजन के फोन को के यह बात के सूचना दे लें। एकरा बाद लड़का के परिजन मौका पे पहुँचले, आपसी समझौता के बाद ही तय भइल कि दोनों के ब्याह कर दिहल जाओ। हालांकि लड़का के पिता ही चाहत रहन कि उनका कुछ और मोहलत मिले ताकि बेहतर ढंग से तैयारी कर सकस, लेकिन ग्रामीण के दबाव पे सामाजिक परिस्थिति के हवाला दे पहले कोर्ट मैरिज के प्रक्रिया भइल, फिर मंदिर में दोनों जना के ब्याह कर दिया गई। एक घटना से चर्चा के बाजार गरम बा। लड़का द्वारा हनुमान मंदिर में युवती के पहले माला पहनावल गई, एकरा बाद 5 बार मांग में सिंदूर भरल गई। जे लड़का आ लड़की दोनों के पिता भी है रिश्ता के अपन स्वीकृति दिहल है। अच्छा, अभी जो शादी मुखिया जी के द्वारा कराया गया आपके पुत्र का, और आप खुश हैं कि नहीं? नहीं, खुश हैं। खुश है ना? खुश है। क्या कुछ कहना चाहेंगे शादी को लेकर? जैसे आप अभी कुछ नहीं किया, जो अच्छा किया, 8 दिन का समय लिया जाता है और अच्छे शादी करते हैं। ये बात कभी आप मैंने 8 दिन के बाद होता तो इनका भी 10 गो आदमी आता, मेरा भी 10 गो आदमी आता, इतना था अच्छा से कहीं मंदिर पर शादी कर लिया जाता। ये भी तो हो सकता है कि अभी शादी को अभी संपन्न कर दिया गया है, आप अच्छे से घर पे जाकर अच्छे से बारात लेकर जाएंगे, अच्छे से शादी विवाह को संपन्न करेंगे। अब कैसे करेंगे भैया, अभी तो मैं यहाँ से लड़की ले जाऊँगा अपने घर, तो फिर बारात कर लेकर आऊँगा इनके यहाँ। अपने घर लेकर जाइएगा तब छोड़ेंगे थोड़े, जब सिंदूर पड़ गया तो इनके यहाँ थोड़े छोड़ेंगे। शादी से कोई आपको तकलीफ नहीं है? तकलीफ नहीं है, लड़का जो किया अच्छा किया, लड़का लड़की का मैंने जो गलती था उसको गार्जियन स्वीकार किया, उसको शादी करा दिया।
आप खुश है ना? हाँ परिवार खुश है ना? हाँ खुश है, सब खुश। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज ठाकुर। मनोज ठाकुर गाँव? गाँव विक्रमगंज घुसिया। अच्छा, अभी जो अपनी पुत्री का शादी कराए हुए हैं जिस लड़के से, क्या आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। कितना खुश हैं? अब कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप कोई दोनों राजी खुशी से मान लीजिए कि रह रहे हैं, शादी करा दिए, खुश हैं। आज जिस प्रकार से यह घटना सामने आई थी, इस घटना को सोच समझ कर आप लोगों ने शादी में तब्दील कर दिया, तो ये तो खुशी की बात है। हाँ। आपका परिवार खुश है ना? हाँ, परिवार भी खुश है। सबके रजामंदी से यह शादी स्वीकार किया गया? रजामंदी से। क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक ठाकुर। अशोक ठाकुर जी। गाँव? पुरैठा। मुखिया जी, आज आपने एक शादी को संपन्न कराया है, वो लड़का आपके गांव में पकड़ा गया था, लड़की के यहाँ मिलने के लिए गया था, क्या पूरा मामला है और आज आपने शादी कराई है? नहीं, ये लोगों का जो मामला है, ये लोग बोले हैं कि हम लोगों का 5-6 महीने से हम लोगों का प्रेम चल रहा था, ये आज इनके घर लड़की के चौंक गए और लड़की के घर जाने के बाद वहाँ के लोग ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुझे फ़ोन किया गया, मैं आए, हम देखे कि दोनों एक ही परिवार का लड़का और लड़की है। मैंने बोला कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब जब लड़का और लड़की को दोनों का हेतु है ये है, तो इन लोगों को शादी करा दिया जाए और माता और पिता, लड़का और लड़की का दोनों लोगों मिलजुल कर खुशी से ये शादी हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़की के पिता और लड़का के पिता दोनों दोनों आदमी राजी है। क्या नाम है दोनों लोगों का? लड़की के पिता क्या? लड़की का पिता का नाम है अशोक ठाकुर और लड़का का पिता का मनोज ठाकुर जी, जो कि रोहतास जिला के रहने वाले हैं। लड़का मिलने आया था, लड़के का नाम क्या है? नीतीश कुमार नाम है। नीतीश कुमार ठाकुर जी। कौन से गांव का रहने वाला है? घुसिया गांव के रहने वाला है, विक्रमगंज घुसिया रोहतास जिला में पड़ता है। और ये कहाँ मिलने आया था लड़की से? ये खुरैठा में। खुरैठा जी, मानिकपुर खुरैठा। मानिकपुर खुरैठा बक्सर जिला में। तो शादी तो संपन्न हो गई जी? संपन्न, आपके द्वारा संपन्न हो गया जी। सुनने में आ रहा है कोर्ट में भी शादी कराया गया और रामलीला घाट पर कोर्ट मैरिज में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी कराया गया है जी। हिंदू रीति रिवाज के जो महावीर जी का स्थान है रामरेखा घाट में, वहाँ संपन्न हुआ। आपका क्या परिचय? हम भी उससे खुश हैं। मैंने कहे, अपना परिचय बताइए। मैं उपेंद्र सिंह, मुखिया प्रतिनिधि कैथर कला। और मेरे तो कहना चाह रहे थे, वो भी बताइए। मैं कहना ही चाह रहा हूँ, ये लोग शादी हुआ, अगर कोई गलती करे तो उसको भी समझ में आएगा कि अगर गलती करते हैं तो फिर वही नतीजा होगा कि जो कि। अच्छा, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब लड़के लड़की के घर पर मिलने के लिए जाते हैं, लड़की के परिवार वाले लड़कों का या तो जान से मार देते हैं या तो उनका प्राइवेट पार्ट को कटवा देते हैं, ऐसा हम लोगों ने कई खबर हम लोगों ने चला है, लेकिन इसमें देखने को मिल रहा है कि आपके द्वारा सबको समझा बुझा कर शादी विवाह करा दिया गया, संपन्न हो गया शादी विवाह? नहीं, वहाँ परिवार वाला लोगों ने लड़के के साथ मारपीट नहीं किया, मुझको फ़ोन करके बुलाया गया कि मुखिया जी इसमें बोलिए क्या किया जाए, ये तो गलती की है। हम कहीं जो गलती किए हैं, दोनों एक ही परिवार का है, इसमें कोई खास गलती नहीं है। सारा श्रेय आपका जाता है, आपके द्वारा बातचीत किया गया, जी बुझाया गया उसको जी, दोनों परिवार को मिला करके और ये शादी खुशी खुशी करा दिया गया। आप परिचय बता दीजिए। मैं उपेंद्र सिंह, मुखिया प्रतिनिधि कैथर कला, राजपुर ब्लॉक पड़ता है बक्सर जिला में। देखिए, एक तरफ लड़के और लड़की मिले और दूसरा लड़की के पिताजी, लड़के के पिताजी में गले मिले हैं और ये तस्वीरें देख सकते हैं, काफी हंसी खुशी से दोनों लोगों का शादी संपन्न कराया गया है। ये तस्वीरें सबके लिए सोचने वाली है कि एक दोनों परिवार शामिल हुए, दोनों के परिवार के लोग शामिल है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लोग हंसी खुशी से रहना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि हमारी बेटी है उनके साथ रहे खुश रहे, ये भी चाहते हैं कि हमारे जो बेटा है उनके साथ हमारी जो बहू है खुश रहे। तो लड़का के परिवार के एक साइड लड़का है उनका, नहीं चलो ना करे दो लड़ाई, करिए करिए जाए एक जगह। चलिए कर आई डलवाई, लड़की पर ले डाली ना, लड़की डलवाई डलवा। धन प्रणाम करो लो एक दूसरा के, जे भी गार्जियन बस सबके गोड़ लागल।
सेनु डलवाइए ना ना ठीक 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 कर दी बोले बे दी करवा सेनु डलाई चलो सेनु डलवाओ सेनु डलवाइए आप मैंने पंडित जी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई। इस खबर के प्रायोजक हैं G20 सुपरमार्ट नया भोजपुर।